दिल्ली में सीलिंग की कार्रवाई चल रही है और इस सीलिंग की कार्रवाई से आम से खास लोग परेशान हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। और दूसरी तरफ रेडी पटरी वालों के खिलाफ भी एक तरह से कार्रवाई चल रही है, इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। इमरजेंसी जैसे हालात इसलिए शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अवैध कब्जा हटाने के नाम पर उनके शटर तोड़े जा रहे हैं, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पार्षद और पूर्व नेता विपक्ष राकेश कुमार हमारे साथ है, जिन्होंने मेयर को और कमिश्नर साहब को उन्होंने खत लिखा और इस पर रोक लगाने की मांग की है। राकेश जी, क्या ये पूरा जो मामला है वो क्या है, क्योंकि आपने अपने जो खत लिखा है उसमें इमरजेंसी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला बहुत गंभीर है। दिल्ली के व्यापारियों पर और रेड़ी पटरी वालों पर आपातकाल जैसी स्थिति उन पर लागू हो गई है। ना अपील है ना दलील है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक नादिरशाही फरमान की तरह दिल्ली के अंदर लागू हो गया है। जैसे सन 1977 के अंदर जैसे इमरजेंसी के हालात में पूरे बहुत जोरों से तोड़फोड़ हुई थी, वैसे ही हालात आज दिल्ली के अंदर भी चल रहे हैं। तमाम व्यापारी जो सीलिंग की मार से परेशान थे, आज वो अवैध कब्जे के नाम पर उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके शटरों को तोड़ा जा रहा है। मात्र 3 शेड या प्लास्टिक का शेड अगर उन्होंने डाल लिया तो उसको भी वो जो है अवैध कब्जे के नाम पर उनको तोड़ा जा रहा है। हम भी अवैध कब्जे के खिलाफ हैं। अगर कोई गलत तरीके से किसी ने छज्जा निकाला हुआ है या फिर इंक्रोचमेंट किया है तो सरकार उसको हटाए, लेकिन ये जो अभियान जो चला हुआ है इसमें कोई नियमावली नहीं है, उसको घोषित नहीं किया गया कि भाई कितना 3 शेड आप शटर के ऊपर निकाल सकते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि आज व्यापारियों की कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो एक तरीके से नादिरशाही फरमान की तरह है, ना अपील है ना दलील है, और कोई सुनने वाला नहीं है। आज दिल्ली के व्यापारी जो सीलिंग के मार से परेशान थे, आज वो अवैध कब्जे हटाओ अभियान से परेशान है। दूसरी तरफ रेड़ी पटरी वाले वो भी परेशान है। हालांकि देश के अंदर 2014 का पथ विक्रेता कानून लागू हो चुका है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो जाता तब तक आप किसी भी रेड़ी पटरी वाले को, चाहे वो सरकारी जमीन पे बैठा हो चाहे वो प्राइवेट लैंड पे बैठा हो, उसको हटा नहीं सकते। लेकिन हमारी नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर और उनके डिप्टी कमिश्नर इस कानून को मानने को तैयार नहीं है। रोज जो है रेड़ी पटरी वालों को उजाड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। व्यापारी बर्बाद है, रेड़ी पटरी वाला बर्बाद है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। बेहतर पर आप जो सवाल उठा रहे हैं और रेड़ी पटरी वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी और दिल्ली सरकार का भी आदेश है कि जब तक ये नहीं हो जाता आप उनको परेशान नहीं कर सकते, तो क्या ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लेकर? बिल्कुल, 2014 का पथ विक्रेता कानून का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का आदेशों का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नॉर्थ एमसीडी के अंदर बैठे हैं वो मुस्लिम विरोधी भी है। कई बाजार मैंने देखा कि जामा मस्जिद के साप्ताहिक बाजार जो अंग्रेजों के जमाने के थे, जिन पर अंग्रेजों के जमानों की पर्चियां थी, उनको भी हटा दिया गया। कोरिया पुल का बाजार है, दंगल मैदान का बाजार है, मिठाई पुल का बाजार है, रेड़ी पटरी वालों को बर्बाद कर दिया है। गरीब विरोधी लोग हैं, मैं कहूँ गरीब विरोधी लोग हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज नॉर्थ एमसीडी या एमसीडी के अंदर बैठे हैं। वो लोग नहीं सोच रहे हैं आज व्यापारियों के बारे में, वो व्यापारियों को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, वो रेड़ी पटरी वालों को बर्बाद करने में तुले हुए हैं इंक्रोचमेंट के नाम पर। तो हमारे कहने का अभिप्राय है, हम अपील कर रहे हैं आज नॉर्थ एमसीडी के मेयर से, कमिश्नर से, कि अगर आप या तो इंक्रोचमेंट अभियान की नियमावली उसको घोषित करें और जब तक इस अभियान को रोकें, और रेड़ी पटरी का जो कानून है, जो पथ विक्रेता कानून है 2014, उसके बारे में खुलासा करें कि वो उसको लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस कानून के बारे में भी खुलासा करें। अन्यथा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों रेड़ी पटरी वाले, इसी सवाल पर आने वाला था क्योंकि आपने अपने खत में ये बात का जिक्र किया है, जो मेयर को और कमिश्नर को अभियान चलाया जा रहा है, इसको अगर नहीं रोका गया तो आप लोग आंदोलन करेंगे, क्या ये अल्टीमेटम कितने दिनों का अल्टीमेटम है? देखिए, आज हमने उनसे अपील की है, लेटर हमने अभी, हमारा 28 तारीख को नॉर्थ एमसीडी के अंदर सत्र था, मैंने क्वेश्चन रेज किया था, मैंने उठाया था, लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार के बहुत बड़े इशू पहले से ही रेज किए हुए थे उसमें मेरी आवाज़ दब गई। मैं आज फिर दोबारा मैंने पत्र लिखा है और प्रेस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर नॉर्थ एमसीडी ने अपना इस अभियान को नहीं रोका और रेड़ी पटरी वालों का अगर ये उसी तरीके से कहर बरपाते रहे तो पथ विक्रेता कानून
आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हजारों रेहड़ी पटरी वालों को लेकर, व्यापारी भाइयों को लेकर इस सिविक सेंटर का घेराव करेगा। मेयर का घेराव किया जाएगा। जो भी हो सकेगा हम सड़क से लेकर ऊपर तक की लड़ाई लड़ेंगे। जाहिर तौर पर तो यहाँ पर हमारे साथ राकेश कुमार ने, उन्होंने साफ तौर पर अपनी शासित एमसीडी की अल्टीमेटम किया। उन्होंने खत भी लिखा है मेयर और कमिश्नर को कि जो कार्रवाई चल रही है रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ उनको जल्द से जल्द रोका जाए, नहीं तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करें, यानी आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करें। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं उमाशंकर चौरसिया, मैं एक दिल्ली।